बांडीपोरा पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुंबल पुलिस ने पुख्ता जानकारी मिलने पर कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों में कोडाइन की सैकड़ों बोतलों समेत 7 ड्रग पैडलर्स को हिरासत में लिया। इस संबंध में सुंबल पुलिस स्टेशन ने NDPS एक्ट के तहत 3 FIR दर्ज की है। वहीं SSP बांडीपोरा राहुल मलिक ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो ड्रग पैडलर्स हैं, इनके अगेंस्ट हमने जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई, हम इनके पीछे पड़े हुए थे और हमें कामयाबी जो है अब जाके मिली है। इस सिलसिले में अभी तक हमने पिछले 5 दिनों की मैं बात करूँगा, 5 दिनों में हमने जो है 7 बंदों को अरेस्ट किया है, 3 FIR लगाए हैं और लगभग 115 बोतलें जो हैं हमने सीज की हैं। इसमें 3 गाड़ियाँ भी हमने सीज की हैं जिसमें लग्जरी व्हीकल्स भी शामिल हैं। तो ये मुहिम जो है हमने बहुत पहले से हम इसके पीछे लगे हुए थे और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी ये जो 7 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं, इनमें यहाँ के जो है मेन ड्रग पैडलर्स जो अपने आप को कैमोफ्लाज करके जो है ये गोरख धंधा करते थे और नौजवानों को बहलाते थे और इसकी जो अपनी जो एक जेन्युइन बिजनेस है उसकी आड़ में ये सब जो है ये काम करते थे। तो ये एक बड़ी कामयाबी है और मैं आपके माध्यम से जो है यहाँ की जनता को एश्योर करना चाहूँगा और साथ में उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो अगर उनको अपने इलाके में कोई भी बंदा ड्रग के साथ मलविश मिलता है तो वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें और साथ में मैं उनको एश्योर करूँगा कि बांडीपुरा पुलिस जो है यहाँ से जो ड्रग मैनेज है सुंबल हाजिन के इलाके से, इसको ख़त्म करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है।